हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। अभी बज रहे दोपहर के 2:30। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लद्दाख की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, तो उसी के लिए आज मैं जा रहा हूं करोल बाग, क्योंकि बाइक में मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करानी है। जैसे मुझे बैक रेस्ट लगाना है, अगर मुझे बढ़िया फॉग लैंप मिल गया तो फॉग लैंप लगाऊँगा, और इसके साथ ही मुझे ब्लूटूथ इंटरकॉम लगाना है, जो कि मेरे साथ जो राइडर जाएगा प्रणय, हम लोग आपस में बात करते जाएंगे पूरे रास्ते, क्योंकि ऐसे अकेले बोरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम लोग ब्लूटूथ इंटरकॉम भी ले रहे हैं, तो वो भी लेना है मुझे वहाँ जाके। तो अभी मैं निकल चुका हूँ और फिलहाल मैं राजापुरी में हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे रॉयल इनफील्ड के शोरूम से गेटर किट लेना है, जिससे कि अपना जो शॉकर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इसका जो सील है वो चेंज कराया है, तो आई डोंट वांट कि तुरंत डस्ट जाके दोबारा से सील टूट जाए इसका, और ब्रेक हो जाने के बाद से वो ऑयल जो है वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे बाइक चलाना भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है। होपफुली यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि घर के पास जो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है वहाँ तो मिला नहीं, और डोमिनर के लिए खुद का कुछ आता नहीं है वैसा गेटर किट, लेकिन इंटरसेप्टर 650 मॉडल का जो गेटर किट आता है वो डोमिनर में लग जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे दोबारा से शॉकर्स खुलवाने पड़ेंगे उसके लिए, बट अब क्या कर सकते हैं, फिटिंग कराने के लिए खुलवाना तो पड़ेगा ही। फटाफट जाके देखता हूँ, मिलता होगा तो लेके आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली गेटर किट यहाँ पे भी मिला नहीं, और अब दूसरे किसी रॉयल इनफील्ड के शोरूम से देखता हूँ रास्ते में अगर कोई दिखा तो। हर जगह यही है, पार्ट्स की दिक्कत आ रही है, इंपोर्ट नहीं हो रहा, क्या हो रहा पता नहीं, कह रहे हैं पार्ट्स पीछे से नहीं आ रहा। बजाज में भी दिक्कत चल रहा था, एयर फिल्टर नहीं आ रहा एक डेढ़ महीने से, क्या ही हो रहा पता नहीं। तो आई एम अबाउट टू रीच करोल बाग, और गोप्रो बार बार धोखा दे रहा है, बार बार हैंग हो जा रहा है। 3-4 बार मैंने ट्राई किया, रास्ते में 2-3 बार ऐसे हैंग हो चुका है। अभी लंबे राइड पे जाना, उसके पहले भाई धोखा मत दे दे मेरे को। पता चलेगा कि अभी गोप्रो खरीदने का खर्चा और अलग से आ गया है। सीट का मैंने काम कराया था लास्ट टाइम, वो जो फोम वोम लगवाया है वो मुझे निकालना है, क्योंकि अब वो हो चुका है घटिया। इस सीट में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, और ग्रिप की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। एंड मैंने एयर सीट मंगा रखा है, तो एयर सीट लगा के लेके जाऊंगा, इसके वजह से ये जो सीट का मैंने काम कराया था अब उसको निकालने का टाइम आ चुका है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं करोल बाग, और यहां पे जाम देख लो कितना ज़्यादा है। लेफ़्ट साइड में यहां पे सारी कार मॉडिफिकेशन की शॉप्स है, और राइट साइड में बाइक्स की शॉप है, टायर्स की, बाइक्स की। तो अभी मुझे जाना है चोपड़ा, और चोपड़ा से काम करा के वापस माइट भी मुझे गोल्डन बाइक्स पे भी जाना पड़े बैक रेस्ट के लिए, क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर कि चोपड़ा के यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे गोल्डन बाइक्स जाके चेक करना पड़ेगा, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, एक जगह से ही सारा काम हो जाएगा अपना। तो ये मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम ले लिया है, ये वीनेट फ़ोन का V6 है, ये ओरिजिनल वाला है, डुप्लीकेट वाला नहीं है। तो इसका कॉस्ट जो है वो मुझे 3800 पड़ा, और जो डुप्लीकेट वाला आता है उसका कॉस्ट 2600-2700 के आसपास आता है। तो ये इसका स्पीकर है और ये इसका माइक है, तो लो बजट में ये सबसे अच्छा इंटरकॉम है। और इसके बाद फिर सीधा हाई बजट आता है, सेना वगैरह आता है, ASG आता है, तो अभी मैंने ये वाला ही लिया है, और दो ले लिया मैंने, तो एक मैंने बैग में रख लिया है प्रणय के लिए, जब वो आएगा तो लगाएगा। और अभी क्या है कि इसको अपने हेलमेट में फ़िक्स करा लूँगा मैं यहीं पे, और सीख लूँगा कि ये फ़िक्स कैसे होता है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्ट कैसे होता है। तो अगर आप भी लेने में इंटरेस्टेड हो, बाइकर हो, अगर आप ले रहे हो, तो आप ये देख के सीख सकते हो कि ये कनेक्ट कैसे होता है V6। और जो भी मैंने परचेस किया है सब यहाँ चोपड़ा ऑटोमोबाइल से किया है। मैंने अपने लिए इंटरकॉम लिया है, उसके बाद मोटुल का चेन क्लीनर और चेन लूप ये सब भी ले लिया है, बलकलावा ले लिया है, और इसके अलावा ग्लव्स मुझे लेना था, लेकिन अभी मैं और ग्लव्स देख रहा हूँ, अभी कुछ पसंद नहीं आया है, जैसे पसंद आएगा वैसे ले लूँगा। अभी इसको मैं फटाफट अपने हेलमेट में फिक्स कराता हूँ। तो ये ब्लूटूथ इंटरकॉम लिया है मैंने, 2 V6 बोलो, इससे बोलो हाँ जी सर,
ठीक है, क्या चाहिए था आपको? V6 आएगा, ये आ गया ऊपर। ये पेयर होगा, ये कनेक्ट हो गया आपके फोन से। अब इसको जो भी चलना है, गाने में सुनना है, जो भी चलाना चला लो आप। अब इंटरकॉम बता दो कैसे कनेक्ट होगा। ये दोनों बाइक वाले को एक साथ दबाना है। ओके इसका रेंज क्या है भैया? 1200 मीटर। दोनों आ गया ना ब्लू, इसी एक को दबा दिया। ये आ गया, एक बार इसको दबा दिया, दो बार दबाना है ना। ये आ गया, ये कनेक्ट हो गया। मैंने ले लिया है HJG का, जो कि लगाने का काम चालू है। रॉड का भी ऑप्शन था आगे लगा के, लेकिन मुझे रॉड पसंद नहीं था तो मैंने रॉड नहीं लगवाया। तो जो मेरा स्टॉक लेग गार्ड है उसके ऊपर ही लग रहा है, और काफ़ी बढ़िया थ्रो है इसका। लग जाएगा तो मैं आपको इसका थ्रो भी दिखाऊंगा। अभी मैं गोल्डन बाइक में हूँ, जहाँ पर मैंने अपना टॉप रैक वगैरह लगवाया था वहीं पर। तो अभी देखते हैं काम कितनी जल्दी होता है। बैक रेस्ट भी मैंने पूछ लिया, बैक रेस्ट है इनके पास, पर बैक रेस्ट का जो रॉड होता है वो रॉड नहीं है। तो अभी हम लोग रॉड ढूंढ रहे हैं। रॉड अगर दुकान में मिल जाए तो बैक रेस्ट भी लग जाएगा यहाँ पर। सो अपनी बाइक में जो है मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं घर आ गया था। और ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन घर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो कुछ शूट नहीं कर पाया। सो अपना मॉडिफिकेशन बेसिकली जो हुआ है वो, एक तो मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम लिया था, दूसरा ये आपको जो दिख रहा है HJG का Cree L6X है, लाइट फॉग लैम्प। और इसका जो कॉस्ट है वो मेरे को पड़ा 2600, और इसके साथ अलग से मैंने हार्नेस वगैरह लिया है जिसका कॉस्ट अलग से आया है। सो टोटल इंस्टॉलेशन के साथ ये पड़ा मुझे 3200 रुपये का। एंड दोनों ये देख लो, फ्लैश जला के दिखा रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर बिल्कुल इसका लुक आ रहा है। और इसका जो कॉस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, 3200 पड़ा। एंड ये लाइट जो है वो 6 LED में है। एंड इसको मैंने देखो डायरेक्टली जो मेरा स्टॉक लेग गार्ड है उस पर ही छेद करके और इसको मैंने इंस्टॉल करा लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक रॉड आता है वो रॉड मैं लगाना नहीं चाह रहा था इसलिए। सो अभी मैं आपको नॉर्मली इसका थ्रो दिखा देता हूँ, बाद में इसका जो एक्चुअल थ्रो हाईवे पे कैसा आ रहा है वो मैं हाईवे पे जाके दिखा पाऊँगा, यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा। और अभी है रात के 3 बज रहे हैं, तो मैं बाइक बाहर नहीं निकाल सकता कि अंधेरे में आपको इसका थ्रो दिखाऊँ। तो मैं आपको इसका अभी नॉर्मल थ्रो दिखा देता हूँ। ये देखो, वो कितना ज़बरदस्त इसका थ्रो आ रहा है। मतलब अभी आपको अंधेरे में पता चलेगा, ऐसे ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़बरदस्त लाइट है इसकी। और हाईवेज पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थ्रो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, थ्रो बिल्कुल मतलब बहुत बेटर नहीं है,
लेकिन बट स्टिल आई एम हैप्पी फॉर द प्राइस दैट आई पेड। बहुत ब्राइट है, मतलब लिटरली मैं लगातार उस लाइट को देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतना ब्राइट है। सो दिस अगेन कपल्ड विद द हेडलाइट्स अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है, हाईवेज में मज़ा आने वाला है। वैसे अपना प्लान नहीं है नाइट राइडिंग करने का, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने लगा लिया है, अगर रात में राइड करना पड़ा तो आई विल यूज़ दीज लाइट्स। सिटी में इन लाइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ढक के रख दो ऐसे ही बस। तो ये देख लो, इससे शायद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि थ्रो किस लेवल का दे रहा है ये। और यहाँ पे लाइट लगी हुई है तब भी इस लेवल की लाइट आ रही है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, और ये तो हाईवेज में ही जाके पता चलेगा। ये देखो, ये देखो थ्रो आपको ऐसे पता चलेगा। ये देखो दीवार पे कैसे थ्रो आ रहा है। सो ये था अपना मॉडिफिकेशन, इससे ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन अभी किया नहीं है मैंने। यहाँ पे मुझे लगाना है गेटर किट, और ये जो सीट है, सीट का जो ऊपर वाला कवर है ये हटाना है, और इसके नीचे जो कुशन एक्स्ट्रा लगाए गए थे ये सारे कुशनिंग हटाने हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है। एयर सस्पेंशन सीट मैंने फीगो का ले रखा है, वो लगाऊंगा और वो लेके जाऊंगा राइड पे। तो फ़िलहाल इसको बंद करता हूं क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगा। ये मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा स्विच डलवाया है, ये स्विच का कॉस्ट भी 100 रुपीज़ ज़्यादा है। तो ये मैं आपको बताना भूल गया, जो फॉग लैम्प्स है उसके साथ ये येलो कवर भी आता है, क्योंकि लाइट जो है वो वाइट कलर की है और फॉग्स में वाइट कलर के लैंप जो है वो काम नहीं आते हैं। सो ये येलो वाला कवर लगा लो तो लाइट बिल्कुल येलो आने लगेगी, और फॉग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा मैंने ख़रीदा है ये मोटुल का चेन क्लीन बड़ा वाला, एंड अगेन ये चेन लूब बड़ा वाला, और एक चेन क्लीन ख़रीदा है छोटा वाला, क्योंकि चेन क्लीनर ज़्यादा लगता है, चेन लूब कम लगता है लॉन्ग राइड्स पे, क्योंकि सफाई के लिए हम चेन क्लीन यूज़ करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये भाई साहब सो रहे थे और मैंने फ़ैन वैन बंद कर दिया है, और इसकी वजह से इनकी नींद खुल गई है। रिलैक्स सर, प्लीज़ रिलैक्स। और इसके अलावा मैंने ये तीन बफ लिए हैं अलग, मतलब ये कलर मुझे अच्छा लगा तो ये दो ले लिया, और ये एक अलग से। इसके अलावा एक लिया है मैंने बलक लावा, जिसको देख के आपको लगेगा कि बैंक लूटने जा रहे हैं, बैंक लूटने वाला जो मास्क होता है ना ये वही है। इसके अलावा ये है मेरा V6 वीनेट फ़ोन, वीनेट फ़ोन का V6 जो भी कह सकते हैं, और एक जो है वो मेरे हेलमेट में लग चुका है, और ये प्रणय के लिए है, प्रणय आएगा तो ये उसके हेलमेट में लग जाएगा। और ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन माई बलक लावा, आई डोंट नो वाई, जो भी है जैसा भी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने शॉपिंग करी है करोल बाग से, और बाकी का जो काम है वो अब कल होने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, और मैक्स की तरफ से बाय बाय। मैक्स बाय कर दो यार सबको, इसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि रात के 4:15 बज रहे हैं। तो अभी मैं लाइट बंद कर देता हूँ, पंखा वंखा चला देता हूँ ताकि ये सो जाए, मैं वीडियो एडिट कर देता हूँ। बाय बाय।